हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराम। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपके प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं, जितने भी बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। आपके एग्ज़ाम का अभी कोई अपडेट है नहीं, कोई अपडेट नहीं है। और अभी तो बिजली विभाग वालों का तो ऑनलाइन फिर से चालू हो गया है, आप लोग आवेदन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर से पहले होगा नहीं, दिसंबर में ही जा ही रहा है वो। अक्टूबर नवंबर आपको तैयारी के लिए मिलेगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। और लेखपाल वालों का कोई अभी अपडेट है नहीं, तो तैयारी आप लोग करते रहिए। कभी ना कभी एग्जैक्टली मतलब भाई किसी को जानकारी नहीं है, ए टू जेड कोई भी टीचर्स हो, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आएगा तब तक हम भी लोग कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकते कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करता रहता हूँ, जैसे कोई अपडेट आती है एग्ज़ाम की आप सबको दी जाएगी। बाकी एग्ज़ाम जो है, मैं एक्सपेक्टेड बता दूँ तो लेखपाल का भी दिसंबर या दिसंबर में ही तो लगभग मेरे हिसाब से लिया जाएगा, अभी तो वैसे नामुमकिन ही है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि तैयारी मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डेली बेसिस से पूछते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम को मैं बता रहा हूँ सभी को कि तैयारी बनाए रखिए, एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। और अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में भाई रिग्रेट होगा कि यार पढ़े होते तो सिलेक्शन हो गया होता। तो बस सिर्फ फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो होगा ही, मेहनत करते रहिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। मटेरियल कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक नंबर के लिए ये आज की क्लास है, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो सेम टू सेम मेरे हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिस फॉर्मूले पर आज मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तीन से चार, चार से पाँच क्वेश्चन है आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, इनको तैयारी करनी है लेखपाल की, बिहार बिजली विभाग की, आपके बैचेस चल रहे हैं पूरी तरीके से हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर, तो आप सभी हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा और आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 100+ क्लास लेक्चर अभी तक हो चुका है, सभी क्लास लेक्चर, सभी के नोट्स, PDF ये सब आपको मिल जाएगा इस बैच में। 130+ क्लास लेक्चर, 100 नहीं, 130+ क्लास लेक्चर, सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सारी क्लासेस कवर कराए गए हैं। ओके, कॉमर्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे आज की क्लास देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कंपनी ने उत्पादन के लिए 800 रुपया प्रति किलोग्राम की लागत पर 1500 किलोग्राम सामग्री का बजट बनाया। मतलब कोई कंपनी है, उसे उसने अपना बजट तैयार किया। भाई हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपना बजट बनाते हैं, अपना भाई अपनी स्थिति देखते हैं, अपनी इनकम देखते हैं, अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं, तब उसके बाद हम अपनी बजट वगैरह तैयार करते हैं कि भैया मेरे मतलब मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं इतना ही सामान खरीदूंगा। तो एक कंपनी ने बजट बनाया, 1500 किलोग्राम सामग्री उसे चाहिए, मटेरियल चाहिए, और 800 रुपये पर किलोग्राम की लागत पर उसे चाहिए। उसने अपना बजट बनाया, हालिका उसने 720 रुपये पर किलोग्राम की लागत पर, मतलब 720 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने 1600 किलोग्राम सामग्री उसने क्या किया, उपयोग किया। 1600 किलोग्राम सामग्री उसने उपयोग किया, यूज़ किया 720 रुपये के हिसाब से, मतलब जो 800 था वो 720 इनका पड़ा, 80 रुपये सस्ता पड़ा। और लेकिन सामग्री जो थी, मटेरियल जो 1500 था, वो इन्होंने कितना यूज किया, 1600 यूज किया, 100 किलोग्राम 100 केजी इसने ज़्यादा यूज किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सामग्री मूल्य विचरण, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएशन, प्राइस में क्या कमी आ रही है, वेरिएशन क्या आ रहा है, परिवर्तन क्या आ रहा है, और मटेरियल मात्रा, मतलब सामग्री मात्रा विचरण, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या आ रहा है। या तो वेरिएंस मतलब क्या होता है, मतलब सामग्री के मूल्य में, मतलब मटेरियल के प्राइस में और मटेरियल की क्वांटिटी में क्या बदलाव आ रहा है, क्या भिन्नता आ रहा है, ये आपको निकालना है पूरी तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बस आप ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल के प्राइस में क्या भिन्नता आ रही है ये निकालना है, और मटेरियल की क्वांटिटी में क्या वेरिएंस आ रहा है इसे भी हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला नोट कर लीजिए, ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फार्मूले पर उस क्वेश्चन की वैल्यू को पुट कर देना, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, फार्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस मतलब वास्तविक कीमत, ठीक है, जितने में आपने खरीदा है, और स्टैंडर्ड प्राइस जितने में आपने सोचा था, मानक, ठीक है, प्राइम मूल्य, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना आपने खरीदा है, ठीक है, जितना आपने तय नहीं किया था, जितना खरीदा है आपने, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो एक्चुअल प्राइस आपने 720 रुपये में ख़रीदा है, कोई भी गुड्स था आपने 800 का मन बनाया था, आपने 700 में ही मिल गया, तो आपने एक्चुअल में कितना खर्च किया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 720 में। और 800 रुपया यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस था इस क्वेश्चन में, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना उस कंपनी ने यूज़ किया, 800 मतलब 1600 केजी का ही तो मटेरियल उसने यूज किया था एक्चुअल क्वांटिटी,
ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। 720 में से 800 गया तो माइनस आया, और माइनस इंटू 1600 से मल्टीप्लाई हुआ, 1,28,000 टोटल आया, और ये फेवरेबल कंडीशन होगा। माइनस क्या शो करेगा? माइनस शो करेगा ये फेवरेबल कंडीशन शो करेगा कि लागत में कमी को ये शो कर रहा है, ठीक है। माइनस जो होता है ये लागत में कमी को शो करता है। तो यहाँ पर आपका जो 1,28,000 जो आपका आया है, ठीक है, एक तो ये माइनस में आपकी वैल्यू आ रही है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा। अब ये शो कर रहा है कि कंपनी ने 800 रुपये पर केजी के हिसाब से सामान खरीदने का तय किया था लेकिन उसे 720 में ही मिल गया, तो उसे 1,28,000 रुपये की बचत हो रही है, ठीक है, बचत का संकेत कर रहा है, इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना हमने सामान खरीदा है और कितना हमने तय किया था, मानक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों को माइनस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, कितने रुपए में हमने सोचा था कि इतने रुपये में हम खरीदेंगे इसे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी वाले में, जस्ट पहले वाले फॉर्मूले का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1600 रुपये एक्चुअल, 1600 यहाँ पे 1600 रुपये में हमने एक्चुअल ख़रीदा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ, या 1600 केजी सामग्री मैंने मटेरियल ख़रीदा हुआ है। अब मैंने मन कितने का बनाया था? 1500 का, मतलब कंपनी ने 1500 का टारगेट तय किया था लेकिन कंपनी ने 100 ग्राम ज़्यादा खरीदा है 1600 में, और कंपनी ने 800 रुपये देने का वादा किया, मतलब कंपनी ने जो अपना बनाया होगा मतलब तय किया होगा 800 रुपये में वो पर केजी के हिसाब से खरीदेगी, लेकिन उसे सस्ता पड़ा था 720 रुपये में, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1600 माइनस 1500 इंटू 800, और ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव मतलब 80,000, ये अनफेवरेबल कंडीशन आ रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या दे रहा है? ये कंपनी का एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा भाई अनफेवरेबल, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अनफेवरेबल बताएगा कि कंपनी को 1500 सामान की ही जरूरत थी लेकिन 1600 उसने यूज किया है, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने पे ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वेरिएंस क्या शो करेगा? अनफेवरेबल शो करेगा कि कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, अधिक मात्रा खरीदने से ये लागत बढ़ी हुई है, ये शो कर रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर वुडन टेबल, एक जो कंपनी है वो लकड़ी का टेबल बना रही है और उसे 100 टेबल बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, 100 टेबल बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है उस कंपनी को, और जो कंपनी है उसने पर क्यूब मतलब पर क्यूब मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसकी जो लकड़ी की लागत आ रही है, मतलब प्रति घन लकड़ी की जो लागत आ रही है वो 15,000 रुपये आ रही है, और प्रति टेबल इस्तेमाल की गई लकड़ी की मात्रा जो है, मतलब एक टेबल बनाने में, जो कंपनी है टेबल बना रही है, एक टेबल बनाने में उसे 0.5 घन मीटर की लकड़ी लग रही है उस टेबल बनाने में, और जो टेबल बनाने में जो लकड़ी लगाया जा रहा है, मतलब जो भी लकड़ी की कीमत है प्रति घन मीटर के हिसाब से, वो 15,000 रुपये है। मान लेते हैं ये इतना लकड़ी लग रहा है एक टेबल में, ठीक है, मतलब कितना लग रहा है? 0.5 लग रहा है, और इस 0.5 की कीमत, मतलब ये 0.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर, इतना लकड़ी एक टेबल में लग रहा है और इसकी जो कीमत है वो 15,000 रुपये है, समझ में आया? मतलब प्रति घन लकड़ी की जो लागत है वो 15,000 है, और एक टेबल बनाने में इतना मीटर, क्यूबिक मीटर क्या लग रहा है? लकड़ी लग रहा है इतना, समझ में आया ये? अब यहाँ पे कह रहा है कि तो ऐसे 100 टेबल अगर हम बनाएं तो कितनी सामग्री लगेगी, कितना टोटल मटेरियल लगेगा, कितना लकड़ी लगेगा, ये पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि पैसा पूछा जा रहा है, कितना रुपया लगेगा ये पूछा जा रहा है 100 टेबल बनाने में। तो यहाँ पे देखिए आप इसको, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, 100 टेबल बनाने में कितना लकड़ी लगेगा, वुड कितना लगेगा, तो टोटल वुड रिक्वायर्ड भाई एक टेबल बनाने में 0.5 क्यूबिक मीटर लग रहा है, तो ऐसे 100 हम तैयार करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मीटर क्यूब इतना लकड़ी लग रहा है टोटल 100 टेबल बनाने में, और एक क्यूबिक मीटर की जो कीमत है वो 15,000 थी, तो 50 क्यूबिक मीटर की कीमत कितनी होगी? टोटल मटेरियल कॉस्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे, 50 × 15,000 ये आ जाएगा 750,000, तो टोटल जो सामग्री लगेगी, मटेरियल लगेगा, लकड़ी लगेगा, वो 750,000 रुपये का लगेगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी जो है वो स्टेशनरी आइटम बेच रही है और हर साल वो 10,000 यूनिट कागज़ का इस्तेमाल करती है, 10,000 यूनिट कागज़ का इस्तेमाल वो कर रही है, और पर ऑर्डर कॉस्ट उसका 200 रुपये है, मतलब ये क्या होता है? मतलब कंपनी को अगर मान लेते कागज़ की ज़रूरत है भाई, स्टेशनरी आइटम कंपनी बेच रही है और हर साल वो 10,000 यूनिट कागज़ का वो इस्तेमाल करती है उन स्टेशनरी आइटम में, अब वो भी कहीं ना कहीं से कंपनी खरीदती होगी कागज़ वगैरह, अब कंपनी जब भी ऑर्डर देती होगी, ठीक है, जब भी ऑर्डर देती होगी इन कागज़ का, जितना भी कागज़ वो यूज कर रही है स्टेशनरी आइटम में, तो बार बार ऑर्डर देने में जो खर्चा आ रहा है वो 200 रुपये आ रहा है,
प्रति यूनिट होल्डिंग लागत, मतलब होल्डिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट मतलब आपने सामान मंगवा लिया, अब आप उसको अपने गोदाम में रखेंगे, तो गोदाम में रखने का भी जो थोड़ा बहुत खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से खर्चा आ रहा है, मतलब एक यूनिट पे 5 रुपये का खर्चा आ रहा है, ये रखने की लागत होती है। कोई भी स्टॉक वगैरह उसको रखने की जो लागत आती है 5 रुपये आ रही है। रखने की लागत क्या? जैसे आप भाई कोई स्टॉक वगैरह आपने अपने गोदाम में रखा हुआ है, अब आप तो कहेंगे मेरा गोदाम है तो उसमें कैसा खर्चा है, मैं रख रहा हूँ तो आता है। जैसे इंश्योरेंस आपने अपने स्टॉक का कराया हुआ है, बीमा कराया हुआ है, फायर इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है, समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा भी आएगा भाई, लाइट वगैरह आप लगाएंगे अपने गोदाम में, ठीक है, और अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखा हुआ है तो वो भी, उसका भी खर्चा आएगा। तो यही सब खर्चे होते हैं जो आपके इसमें होते हैं, होल्डिंग कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर्थिक ऑर्डर मात्रा, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालना है, मतलब पर ऑर्डर पे कितनी होल्डिंग कॉस्ट आ रही है और उस हिसाब से, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या बन रहा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ई ओ क्यू निकालना है। अब ये ई ओ क्यू होता क्या है? जैसे देखिए ई ओ क्यू आपका क्या होता है, ये एक तरीका है, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक तरीके से, ये एक मेथड है, तरीका है, जो बिजनेस को यह तय करने में मदद करता है कि उसे कितने सामान की ज़रूरत है, ठीक है, कि उसे ऑर्डर करना चाहिए, मतलब कोई बिजनेस है उसे कितने गुड्स की ज़रूरत है कि उसे ऑर्डर करना चाहिए, और कम से कम लागत में वो मतलब उसे सामान वगैरह मिल जाए जितना उसने ऑर्डर किया हुआ है। तो यही होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हर बार आप सामान मंगवाते हैं तो हर बार आपको ऑर्डर कॉस्ट वगैरह आपका आता है, और भी बहुत सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे आते हैं। तो कम से कम मात्रा में ये सारे खर्चे हो और सामान भी आपको सही समय पे मिल जाए, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आप मंगवाएं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका एक ही फार्मूला है और एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसी टॉपिक से, और वो यही आता है आपका, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, मटेरियल अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यही क्वेश्चन आता ही है, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग एक नंबर आप कंफर्म कर लेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2DS/H। डी मतलब क्या है? जितना डिमांड है यूनिट पर ईयर, जितना डिमांड है, मांग जितना है, यस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश लागत जितना है भाई, ऑर्डर करने में किसी सामान को मंगवाने में कितना खर्चा आ रहा है वो हो गया। होल्डिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, एच मतलब होल्डिंग कॉस्ट, जब सामान मंगवा रहे हैं उसको गोदाम में रख रहे हैं उसकी लागत क्या आ रही है रखने की, तो वो आपका होल्डिंग कॉस्ट हो गया। यही फार्मूला यूज कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,000 आपका क्या हो गया? डिमांड हो गया भाई, कंपनी को 10,000 कागज़ की ज़रूरत है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपया हो गया, होल्डिंग कॉस्ट 5 रुपया हो गया, इसको पुट कर दीजिए। 2 × 10,000 × 100/5 सॉल्व करेंगे इसको तो 80,000 आएगा, 80 नहीं 8 लाख आएगा, यूनिट 10,000 10,000 लाख, 8 लाख, 8 लाख का जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 894.43 समथिंग ये अप्रॉक्स में आएगा यूनिट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। कैसी लगी ये क्लास, समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिस्कस मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर किया। चलिए उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, लगाएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे एक खुदरा स्टोर है, मतलब एक रिटेल स्टोर है, उसे 20,000 यूनिट उत्पाद वो बेचता है, मतलब 20,000 यूनिट वो अपना प्रोडक्ट क्या कर रहा है, एनुअली वो बेच देता है। ऑर्डर कॉस्ट मतलब यहाँ पे 300 रुपया आ रहा है भाई। ऑर्डर जैसे होता है कि एक ये भी है, मतलब बायर के लिए ही नहीं है, सेलर के ऊपर भी ये लागू होता है। अगर आप सामान बेच रहे हैं तो आप ऑर्डर लेने जाते होंगे, ऑर्डर लेने मार्केट में जाएंगे तो आपका पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे भाई, आने जाने का खर्चा लगेगा, तो वही ऑर्डर कॉस्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट हो गया भाई। ऑर्डर लेने जाएंगे आप, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा सामान को ऑर्डर लेने के लिए, तो वो ऑर्डर कॉस्ट हो गया, तो 300 रुपये है। और सामान को आप जितना भी गोदाम में आप रखे हुए हैं उसको जब आप बेचेंगे, तो जितना भी आप व्यवस्था करेंगे भाई, 10 लाख का सामान हमें बेचना है तो 10 लाख को आप स्टोर करेंगे, तो उसको स्टोर करने पे होल्डिंग कॉस्ट आएगी, तो वो 10 रुपये है। तो सेलर और बायर दोनों पे लागू होता है। तो सिंपल ये फार्मूला हम यूज करेंगे, 2 × डिमांड कितना है 20,000 का, ऑर्डर कितना है 300 रुपये का, और होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपीज़, 2 × 20 × 300/10 सॉल्व करेंगे, ये पूरा आ गया आपका 12 लाख, इसको सॉल्व करेंगे 1095.45 यूनिट अप्रॉक्स में आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ओके। बस कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन लगभग आपका कंफर्म हो गया। ई ओ क्यू वाला तो एकदम परफेक्ट है, ये आपके एग्जाम में आएगा एक नंबर। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो बिजली विभाग के हैं, लेखपाल के हैं, जिनको तैयारी करनी है, आपके बैचेस चल रहा है हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप पर मिनिमम फीस के साथ, आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइए और सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कीजिए। आप सभी के टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगाते रहिए। कोई जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।